सो है गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल आदिर कमालात। मैंने नेक्स्ट पार्ट में लेके आ गए हूँ गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। मैंने फर्स्ट पार्ट में आउटलाइन बनाया था, ये नेक्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और इस पार्ट में मैं आप लोगों को डिटेलिंग करूँगा, मतलब जो जहाँ जहाँ पर मुझे लगता है कि कमी है वहाँ वहाँ पर मैं डिटेलिंग गाइस करूँगा। तो वीडियो को करते स्टार्ट, तो यहाँ पर मैं थोड़े थोड़े डिटेलिंग कर रहा हूँ गाइस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मुझे जहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर फीका है या डिटेलिंग करना है, तो मैं यहाँ पर डिटेलिंग कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने इसमें ज़्यादा टाइम दिया है, पूरे आज मुझे 2 दिन लग गए हैं, तब भी अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो गाइस, तो मुझे इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है और मुझे इसमें और भी ज़्यादा डिटेलिंग देने को बाकी है। ये तो मैंने मान के चलिए आप लोग, मैंने तो इसमें अभी फर्स्ट ही लेयर अप्लाई किया गाइस, अभी सेकेंड लेयर अप्लाई मैंने किया ही नहीं है, ऐसा ही आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैं शेडिंग कर दे रहा हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि डिटेलिंग करना मुझे चाहिए, तो मैं वहाँ वहाँ पर डिटेलिंग गाइस कर दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। आप लोगों को भी कहाँ जहाँ जहाँ पर लग रहा है, मैं ये मैंने फ़ोटो गूगल यूट्यूब के किसी आर्टिस्ट के से लिया है मैंने, आप लोग भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं डिटेलिंग कर दे रहा हूँ जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है गाइस। तो यहाँ पर नॉर्मल पेन पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा दाग होगा, यहाँ पर मैं थोड़ा ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई करूँगा। तो मैंने यहाँ पर थोड़े ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई किया गाइस, अब मैं इसे ब्लेंड कर दूँगा कॉटन के हेल्प से। तो मैंने यहाँ पर इसे ब्लेंड कर दिया है गाइस, आप लोग देख सकते हो। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है डिटेलिंग होनी चाहिए, तो मैंने वहाँ पर तो डिटेलिंग गाइस कर ही दी है। अब बीच में थोड़ा ज़्यादा लाइट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर भी मैं मैकेनिकल पेन पेंसिल का यूज़ करके, जिससे इससे हल्का ही होता है, यहाँ पर लाइटिंग है पर सब जगह डार्क है, तो यहाँ पर थोड़ा लाइट लग रहा है, तो मैं यहाँ पर भी थोड़े से डार्क पोर्शन सप्लाई कर दूँगा मैकेनिकल पेन पेंसिल की हेल्प से। अब मैं इसे यहाँ पर मैं गाइस ब्लेंड करूँगा इसे, आप लोग देख सकते हो मैंने इसे ब्लेंड करना गाइस स्टार्ट कर दिया। और आप लोग देख सकते हो, कंप्लीट हमारा फेस हो गया है, अब बस क्लॉथ बाकी है थॉर का गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लॉथ के साथ गाइस। थर्ड वीडियो में मैं कंप्लीट आप लोगों को फेस ड्राइंग करके दिखा दूंगा थॉर का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले लाइक एंड सब्सक्राइब डू इम्प्रूव ड्राइंग।